आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा तप, शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि करती है और शत्रुओं का नाश करती है। नवरात्रि की पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य होता है। माता अपने इस स्वरूप में एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण की हुई है और श्वेत वस्त्र में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म ली थी और भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने हजारों वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की थी। इसलिए माता के इस द्वितीय स्वरूप को ब्रह्मचारिणी कहा गया। अब बात करें माँ की, तो माँ का दूसरा सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती में फसल देती है, किंतु माँ, ये माँ धरती से कम सहनशील नहीं है। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता है? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में सील भले हो, सहनशीलता की परिभाषा उसे माँ बनने के पश्चात प्राप्त होती है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती। आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक नवजात शिशु को पालकर बड़ा करने के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, और आप इससे अनजान नहीं होंगे। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी उसे प्रेम से दूध पिलाती है। ये होती है माँ। तो इन बातों को स्मरण रखिएगा। राधे राधे।